एक बात याद रखनी है कि गुजराती के शब्द आगे लाइन ऊपर से जो लाइन है वो नहीं आएगी और यहाँ से थोड़ा सा राउंड लेंगे देन यहाँ से हमको टर्न करना है। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि शब्द हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से जैसे हमने पास लिखा उसी तरह से हाफ इतना करेंगे, फिर उसके बाद हाफ थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, देन फिर उस हाफ को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे सीधी लाइन एंड देन अंदर सी लाइन। ये बन गया हमारा सती षटकोण। ओके, देखिए इस तरह से आपको करना है। यस मैम लिख रही है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते जा रहे हैं ना अच्छी राइटिंग के साथ। आपको जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपके डॉट डॉट बने हुए हैं, उन डॉट को ज्वाइन करके देन आपको ये षटकोण लिखना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक मैम ने आपको करवा दिया, बाकी ये पूरा आपका होमवर्क है, आपको खुद अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। चलो नाउ नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, श और ही राउंड करो। यहाँ पर हमको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द में जहाँ पर भी श आता है वहां पर हमको सर्कल करना है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, विश, उसमें श कहाँ है, यस ये रहा श, उसको हम राउंड करेंगे। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, धनुष, धनुष में श कहाँ है, यस ये रहा श, उसको हम राउंड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शटक, शटक में श कहाँ है, यस ये रहा, इसको हम राउंड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, षटकोण, षटकोण में श कहाँ है, यस ये रहा श। लास्ट अक्षर आपको खुद रीड करके और उसमें श ढूंढना है। ये भी आपका टेक्स्ट बुक में होमवर्क है, पूरा ही आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखना है। नाउ नेक्स्ट हमने अभी सीखा, तो यहाँ पर क्या आएगा,
में अच्छे से कर देनी है। इसके बाद के वीडियो में हम आपके लिए व्यंजन और एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस यू ऑल।